नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ना, ये जो है संभावित है, ये आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इन्हें आप लोग अगर रिवाइज करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसमें देखो अलग अलग डिवाइड होंगे खंड खंड बा ऐसे, तो देखो खंड में क्या है, MCQ सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखें A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा है, नॉट इक्वल का साइन है C1 अपॉन C2 हो, तो समीकरण निकाय जो है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एवं A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। तो क्या होंगे भाई? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका, क्या इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सभी, यदि प्रथम पद A है, ये AP वाला क्वेश्चन है, प्रथम पद A है बराबर इसे 7 दिया एवं A13 जो है, AN जो है आपको 35 दिया है, तो सार्वंतर D का मान क्या होगा? तो D का मान हो जाएगा 7/3, है ना, 7/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2 करनी 3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सभी, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है, है ना, एक से कितनी, मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी है, तब उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो क्या पॉइंट पर होंगे वो, है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.0, है ना, इस पे हो जाएगा वो बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सभी, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है, द्विघात में क्या होता है, जब जिसके घात 2 हो, ठीक है, अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं इसके द्विघात समीकरण का, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमको, खाली स्थान जहां भी उन्हें भरना है, तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, समबाहु आ जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप है ना, समरूप मतलब समान रूप, समान भुजा होगी, तो समबाहु की होगी, इसकी सभी भुजा क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, है ना, यहाँ लिखा है 1 - p और e के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब होता है प्रायिकता नहीं है, हमने एक सूत्र देखा है प्रायिकता है धन प्रायिकता नहीं है, पी कोष्टक में ई प्लस पी कोष्टक में बार ऊपर ई लगा बराबर इसे एक होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रायिकता है और प्रायिकता है का सिंबल होता है पी ई, यानी पी कोष्टक में ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है पी कोष्टक में ई कैपिटल। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, है ना, द्विघात ये क्वेश्चन अभी देख चुके हैं बच्चों, है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि द्विघात समीकरण में शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 2 होती है ना। नेक्स्ट है वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी, वृत्त की, ठीक है, परिधि होगी ना वो, तो आसपास, ठीक है, वो परिधि हो जाएगा, तो यहाँ परिधि डाल देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 ऋण का करनी 2 1 परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि करनी 2 जो है हमेशा करनी 2 में रहेगा, इसका छोटा रूप हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, अगर छोटा रूप किए भी तो दशमलव में जाएगी, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या, जितनी भी करनी वाली संख्या होती है वो अपरिमेय वाली कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में लिखा है 3 माध्यक बराबरी से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुलक धन 2 माध्य, ये हो जाएगा ना, यहाँ बहुलक आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें सत्य असत्य हमको बताना है, तो देखते हैं हम लोग सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है, भाई ये बिल्कुल असत्य है, बाह्य बिंदु से अगर रेखाएं खींची रहेगी तो वो दोनों ही समान होगी, यहाँ असमान नहीं होगी, वो समान होती है, ये प्रमेय भी इस पर आधारित। नेक्स्ट है उन्नयन कोण हमेशा अधिक कोण होता है, तो ये भी असत्य है, उन्नयन कोण हमेशा अधिक कोण नहीं होता है। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य है ना, ये नहीं कहलाती है, वाई निर्देशांक नहीं कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी वाई अक्ष का निर्देशांक कैसे कहलाएगा। नेक्स्ट है किसी बिंदु की, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन देखें, 4.0 और 0.3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, चौथा क्वेश्चन, अगर आप लोग ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ में जब बनाओगे तो ग्राफ में ये जो बनेगा, तो इसके सामने 5 इकाई आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना है, तो हाँ आएगी, तो इसका मतलब ये सत्य है, पहला वाला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखे सभी, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, समरूप जो त्रिभुज होते हैं ना उनमें संगत कोण जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है, संभव में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा वो, तो ये हो गया, यह आंसर भी तो है, असत्य 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 सत्य सत्य सत्य, थोड़ा डिस्कस भी कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बताइए, तो सही जोड़ी क्या बताना है, 1 cot² θ, इसका आपका हो जाएगा सी से cosec² θ से मिला देना है, 1 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सेकंड का देखो, sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपने टेबल पढ़ा होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये करनी 3/2 इसका मान होता है। नेक्स्ट है 2 tan θ इंटू, यहाँ इंटू होगा, ठीक है, कोट थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा इसका 2, इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले चैप्टर से है, सूत्र सीधे सीधे पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मुले देख लेना इसमें से, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का सूत्र हो गया, ठीक है, घन घनाभ का सूत्र हो गया, शंकु गोला अर्धगोला, है ना, ये सारे सूत्र आप लोगों ने देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, वहाँ से सीधे सीधे सूत्र तो आना ही आना है, बेलन का सूत्र सीधे पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको ये सूत्र याद रहने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो ये πRL होता है, सभी को पता होगा, ठीक है, πRL पे हम लोगों ने टिक कर देना है, मिला देना है उसे। हाँ, फिर है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, अच्छा त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का एक सूत्र बनता है, वो है 2 into πR into θ/360, और थीटा क्या होता है, जो मान मान दिया रहेगा उसका, उसे हमको लिखना है थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक का एक शब्द में,
वाक्य में अंतर उनको उत्तर लिखना है एक शब्द में, ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर लेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना, बराबरी से जीरो है कि शून्यक जो है अल्फा एवं बीटा हो तो ए प्लस बी का मान क्या होता है, मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है, क्या डिस्कस किया है, अल्फा देन बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए है ना, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा और ए इंटू बी क्या होगा है ना, अगर यहाँ पर आ जाए आपको अल्फा गुणित बीटा तो आ जाएगा वहाँ पर सी बटे का ए और अल्फा देन बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ आपको लिख लेना है इसका आंसर। नेक्स्ट है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो का विविक्तिकर का मान होता है, तो इसका हो जाएगा विविक्तर, विविक्तिकर हो जाएगा शून्य है ना, शून्य हो जाएगा इसका विविक्तिकर है ना, विविक्तिकर को डी से डिनोट करते हैं, डी निकालने का सूत्र है उसे हम लोग शून्य डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये पूछा है हमको ए एक बटे तीन कोमा दो बटे तीन कोमा एक जो है ए पी है क्या, और अगर हम लोग इनके बीच का डी निकाले और डी बराबर होगा सब में तो ये ए पी होगा, तो हाँ ये ए पी है ना, आपको चेक करना है डी कैसे निकालते हैं है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणित पहली संख्या तो माइनस कर लेना है यहाँ पर ऋण ऋण होगा बीच में तो भिन्न भिन्न का गुणा माइनस करते आता है आप लोगों को है ना, नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेके वहाँ चेक कर लेना कि नीचे संख्या बराबर आ रही है, डी बराबर आ रहा है, अगर डी बराबर है तो वो ए पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, यदि ए पी का एनवा पद है ना एंथ पद जो है थ्री प्लस टू एन है तो प्रथम पद का मान क्या होगा, प्रथम पद ए हमको निकालना है ना, ए निकालना हमको तो ए हो जाएगा इसका पाँच है ना, यहाँ पर रख लेना हमको एन का मान हमको दिया हुआ है, आप लोग अरेंज करोगे ए पी वाले सूत्र से तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथे का पाँच आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन देखिए सभी, एक सामान्य वर्ष में त्रेपन सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छा त्रेपन सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो त्रेपन सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी एक बटे सात है ना, कहीं ना कहीं त्रेपन सोमवार है ना, हफ्ते में सात दिन होते हैं और एक उसका सोमवार होगा, एक बटे सात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छह, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा है ना, बताया मैंने कि एक गोला है, गोला को स्पर्श करके कोई रेखा जाए है ना तो वो स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर कर लेना इसलिए वो स्पर्श रेखा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है खंड बा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है हमको यहाँ पर मैं तो बता दूंगा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये आना ही है तो करना है आपको प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर खंड बा में क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए, संख्या 336 एवं 54 का एलसीएम वाई एचसीएफ निकालिए गुणनखंड विधि से, ठीक है अलग अलग निकालना 336 का अलग 54 का अलग, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताना है, ठीक है ये चैप्टर नंबर 1 का है, यहाँ एक लिखा भी हुआ है, ठीक है तो ठीक से पढ़ना है इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में आ सकता है एचसीएफ आपको दिया हो, एलसीएम कुछ दिया हो, एलसीएम का मान निकालना है आपको, किसी दो संख्या का एचसीएफ दिया रहेगा आपको एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकालना है, ठीक है हिसाब से निकालना है, निकाल लोगे आप लोग है ना, आपको पता है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ सूत्र है तो उससे निकाल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 7 147/156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ये भी प्रश्न जो है चैप्टर अध्याय 1 से ही है और ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है बच्चों। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, करने करने आपको ये दो से तीन नंबर के लिए कभी कभी चार नंबर के लिए भी पूछता है ना, तो सात करनी पाँच एक अपरिमेय संख्या मैंने बताया है, ठीक है कमेंट कर दीजिएगा मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है तो ये आपको सिद्ध करना है बताना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है शून्य शून्य के क्वेश्चन आने आना है और आपको थोड़ा सा टफ तो पूछेगा वो, सरल तो आने से रहा, तो ये है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए ना, तो यहाँ निकालना को शून्य अल्फा बीटा, ठीक है ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये अध्याय 2 से है। तीसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल है ना, आपको अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणित बीटा का मान दिया यहाँ पर एक और एक, तो आपको निकालना है, निकाल सकते हो ये चैप्टर 2 से है। नेक्स्ट है किसी बहुपद वाई बराबरी से पी एक्स के लिए ग्राफ दिया गया है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अच्छा शून्यक तो बहुत आसान है ये ग्राफ देख के निकालना है, कितने शून्यक होंगे अगर एक्स रेखा को ही वाली रेखा जो है जितनी बार काटे उतने शून्यक होंगे, तो यहाँ काट रहा है नहीं काट रहा है, यहाँ शून्य जीरो होंगे, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन आना ही डन है ना। नेक्स्ट है जांच कीजिए कि बहुपद जो है 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक जो है 3, -1 एवं -1/3 ये है क्या, शून्यक चेक करना है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये अध्याय 2 से है ना चैप्टर 2 से, अब अध्याय 3 के कुछ क्वेश्चन है देखो जरा, क्या है दो संख्याओं का योग है 26 और संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है समीकरण निकाय x + y बराबरी से 5 हो रहा है, ठीक है तो 2x - 3y बराबरी से 4 हो जाएगा, को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने देखे, विलोपन विधि है ना, तो ये सारी विधियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से विलोपन विधि से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। नेक्स्ट है जांच कीजिए कि x² - 2x बराबरी से -2 कोष्टक में 3 - x एक द्विघात समीकरण है क्या, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हम है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग बन जाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्ग समीकरण के एक्स कोष्टक में x - 2 + 6 = 0 है तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करना है तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की है इसकी, ठीक है तो समीकरण के दो बराबर मूल है ना, दो बराबर मूल होंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं इसके। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 से है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है किसी एपी, ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन है, ठीक है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी निकालना है, ठीक है पहला दिया है आपको 17वां दिया है, आपको सूत्र बखूबी पता होगा, ठीक है तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन अथवा में है, एपी आपको दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है तो यहाँ पर पद निकालना है, निकाल सकते हैं हम सूत्र से, ठीक है बहुत ही सरल है बच्चों। ठीक है अब आते हैं प्रश्न नंबर 13, किसी ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है ना, त्रिभुज की पर बिंदु स्थित है ना, ई और एफ स्थित है तो बताइए कि ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के, क्यों समांतर है ये बताना हमको, ठीक है तो बता सकते हैं हम लोग प्रमेय वगैरह से सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता ही है तो इसे देखना है समझना है। ठीक है इसी में अथवा में आ सकता है क्वेश्चन, क्या आएगा दी गई आकृति जो है आपको आकृति दी गई होगी, ठीक है पी एस बटे एस क्यू, देखो यहाँ पर पी एस बटे में एस क्यू अगर है, ठीक है और पी टी जो है बटे में टी आर है और कोण जो है पी एस टी, पी एस टी बराबर से पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजाएं आपस में समान होती है, तो ये हम लोग बता सकते हैं।
है ना, इजीली बता सकते हैं, है ना, एकांतर कोण वगैरह से सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते ही है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखे, सभी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है ना आपको दिया है माइनस का 1.7 है ना 7 है और 4.3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही है ना, निर्देशांक ज्यामिति वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अथवा में आ सकता है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3.6 और -3.6 से समदूरस्थ है, ना ये भी अध्याय 7 से क्वेश्चन है, ये आती है। ज्यामिति विधि से आपको सिद्ध करना है कि 1 × 10² a बराबर है sec² a के, सिद्ध करना है आपको ज्यामिति विधि से। यह है त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोगों ने। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमने ये देख लिया, इसी में अथवा में आ सकता है, यदि टेन कोष्टक में a प्लस बी बराबर इसे करनी 3 है एवं टेन कोष्टक में a माइनस बी बराबर इसे 1/3 करनी 3 है तो a एवं b के मान ज्ञात कीजिए। ये भी अध्याय 8 से है, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से एक क्वेश्चन आता जाता है, ताश की गड्डी है पासा वाला, देखो अथवा में दिया है पासा वाला भी, तो एक क्वेश्चन आने जाना है प्रायिकता से। तो 52 ताश की गड्डी में है ना एक पत्ता निकाला जाता है, एक फेस कार्ड जिसमें चित्र बनाओ प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है, करने की ना विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आखिरी चैप्टर से प्रायिकता वाले से, वहाँ से दो क्वेश्चन चार चार नंबर के तो आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली, एक तो ताश की गड्डी या पासा वाला, इनमें से कोई ना कोई आएगा, तो आपको ये पढ़ना है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है ना, तो कम से कम एक चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी प्रायिकता वाले चैप्टर से है ना, प्रोबेबिलिटी बोलते ना उसे इंग्लिश में, तो ये उसमें से आ जाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, आना ही है, चार नंबर के लिए आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाए, है ना, ये क्वेश्चन बुक का है, ठीक है, केवल देखकर आपकी बुक में है, ठीक है, केवल देखकर यहाँ नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है ना, कोई 12 खराब है और 132 अच्छे हैं, दोनों को साथ में रख दिया है, तो हमको थोड़ी ना पता, देख के थोड़ी ना बता सकते हैं अपन कि कौन सा अच्छा कौन सा बेकार है। तो पेन की यादृच्छा निकालना है और फिर प्रायिकता हमको क्या होगी ये बताना है कि कितने पेन अच्छे कितने पेन अच्छे नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन एक आता ही है चार नंबर के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है ना, प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है ना, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको बताना है, इसमें बता सकते हो आराम से, अध्याय 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी में अथवा में आ जाएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके है ना पद का अवनमन कोण 45 डिग्री टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अध्याय 9 पढ़ लीजिएगा, इसमें से ऐसे क्वेश्चन एक नया है चार नंबर के लिए। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा बराबर होती है, ये प्रमेय है 10 का, तो बराबर होती है, उन्हें सिद्ध करना कैसे बराबर है, तो सर्वांगसम सिद्ध कीजिएगा दोनों त्रिभुज की, तो आप लोग सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक क्वेश्चन आना है प्रमेय से। चले आगे बढ़ते हैं, ये 9वीं में भी है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, वृत्त बनाकर पहले डायग्राम बनाकर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अध्याय 10 पढ़ लीजिएगा, इसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, देखिए त्रिज्याखंड से एक क्वेश्चन आना ही आना है चैप्टर नंबर 11 से, त्रिज्याखंड वृत्तखंड, ठीक है, तो जिसका केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री है ना, साथ ही दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्याखंड का सूत्र क्या है ना, पाई आर स्क्वायर (θ/360) है ना, तो वैसे आप लोग त्रिज्याखंड दीर्घ वाला भी निकाल सकते हो, लघु भी निकाल सकते हो, दोनों, बस अर्थ आपको जो है कोण का मान जो है बराबर रखना है, दीर्घ में मान अलग हो जाएगा, लघु में मान दिया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी में अथवा आ सकता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अच्छा चतुर्थांश वाला क्वेश्चन होता है 1/4, चतुर्थांश मतलब 1/4 चौथा हिस्सा, जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है ना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आती है, तो ये निकाल सकते हो अध्याय 11 से, ठीक है। उसके अलावा देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, ये ठोस वाला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में से है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आता है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टोटल सर्फेस नहीं होगा, कर्व सर्फेस या CSA निकालना है हमको दोनों का, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इसी के अथवा में आ सकता है, अथवा में आ सकता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, है ना, पाई के पदों में ज्ञात करना मतलब पाई का मान कुछ नहीं रखना आपको, पाई का मान आपको पाई ही लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अध्याय 3 से क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये चार नंबर के लिए आ सकता है। दो अंकी संख्या का योग है a+b वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, पूछता है, और बहुत सरल सा क्वेश्चन है बच्चों, इससे आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है ना, मीन मीडियम मोड वाला क्वेश्चन है, माध्यम माध्यिका बहुलक वाला है, तो इसे हम लोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है, उपयुक्त विधि द्वारा छोटे विकेटों का माध्य ज्ञात करना है, माध्य निकालने की 3 विधियां मैंने बताई है ना, नहीं तो आपने कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। माध्य निकालने की 3 विधियां होती है, ठीक है, कल्पित विधि, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, तो इसे प्रत्यक्ष विधि से निकालोगे तो भी सही रहेगा, पग विचलन विधि से निकालोगे तो भी निकालोगे, लेकिन FIUI निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ, नेक्स्ट है, इसी के अथवा में आ सकता है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक आपको मीडियम दिया हुआ है 28.5 है, तो x एवं y का मान ज्ञात करना है आपको, x y दिया हुआ है, ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, मैंने बताया भी है। डू यू वांट टू बुकमार्क पेज नंबर 6? नो।
ठीक है। तो ये हमको ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं, तो एक्स और वाई का मान निकालना हम निकाल सकते हैं। अध्याय 13 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है 4 नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। विश यू गुड लक।